अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा से निकल चुके हैं बस में। आप लोग देख सकते हो, ये मैं हूँ, ये हमारे सैफ हैं, ये हमारे भाई सब हैं, और ये हमारे भाई लोग। देख सकते हो दोस्तों, बस में जो है 10-10 रियाल लिया जा रहा है एक्स्ट्रा, ताकि मस्जिद कुबा वगैरह जो है घुमाया जाए। ये हमारे पीछे जो है सलीम भाई है, रोबिन है, प्यारा है, सब पूरा दिखाया जाएगा। इधर देखिए, इधर पे देखिए, ये जो है सो पूरा पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ही घर है, पहाड़ के ऊपर ही होटल है। और ये देखिए आप लोग बाहर का नज़ारा, ये मक्कतुल मुकर्रमा का नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। पूरा हरियाली ही हरियाली है, ये पहाड़ वगैरह देखिए आप लोग, ये देखिए पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा बड़ा होटल वगैरह जो भी है, हॉस्पिटल है, बहुत यार समझ सब बड़ा हुआ। आवृत्ति भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ पे अफ्तारी सबको दिया जा रहा है। ये भाई सब अफ्तारी दे रहे हैं, इसमें क्या क्या वो भी बताते हैं। केक है, जूस है, और पानी है, और खजूर है। माशाल्लाह सबको दिया जा रहा है बस में। फाइनली दोस्तों, इफ्तार की टाइम हो गई है, और हम लोग को जो इसमें जो इफ्तार मिला है, ये इफ्तार अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ये हम हैं, ये सेफ हैं, और क्या क्या अभी करेंगे सब आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग को इफ्तारी मिला है, जूस है और केक है, ये का खजूर है, पानी है, टिशू है, और ये सेफ है अभी इधर पे जो है, हम लोग इफ्तारी कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग इफ्तार वगैरह कर चुके हैं। ये हम हैं, हमारे सलीम भाई हैं उधर पे। अब हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इफ्तार वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीके से हो गया है और बहुत कुछ मिला है। अब देखिए, हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये रोका है, ये मस्जिद है, और आप लोग सब दिखाते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, उधर पेट्रोल पंप है, बाकी सब बसें लगी हैं इधर पे, और सलीम भाई जूस पी रहे हैं, और इधर वजू करने का है। उधर भी बहुत बहुत बसें लगी हुई हैं उस तरफ भी, तो इधर से वजू कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और इधर पे मस्जिद है, हम लोग जा रहे हैं अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह, फाइनली दोस्तों हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ चुके हैं, अब निकलेंगे। टाइम दिया है आधा घंटा का, और ये सारे लोग हैं। ये देखिए, आप लोग को आगे चल के भी दिखाते हैं। इधर जो है सो आपका होटल मिल जाएगा, और इधर भी जो है सो सारा सामान वगैरह जो है सो मिलता है। इधर देखिए, ये हम लोगों की बस है ऑरेंज वाली, बाकी और ये सब बस हैं। बाकी और देखिए, आप लोग को दिखाते हैं। इधर फ्रेश वगैरह होने के लिए है, इधर लेडीज टॉयलेट, इधर भी बस वगैरह है, देख सकते हो आप लोग। इधर भी बस लगी हुई है, बहुत सारे बस हैं, पीछे भी है। ये लोग अफ्तारी कर रही हैं, मामा लोग अफ्तारी कर रही हैं इधर पे, और अभी हम लोग जो है जो जा रहे हैं अपने बस की तरफ। ये वकाला टाइप का है, देख सकते हो आप लोग, चिप्स वगैरह, ठंडा वगैरह, पानी वगैरह जो है उसके लिए। यहाँ पे बुरुश बर्गर वगैरह मिलता है, और बाकी ये फ्रूट का दुकान है। ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। इधर भी बसें लगी हुई हैं। ये आसमान देखिए, नज़ारा देखिए, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। बहुत अच्छा मौसम है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे जो है ब्रुशेट लिया जा रहा है, ये ब्रुशेट ले रहे हैं, चिकन फ्राई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं। 20 रियाल का एक ब्रुशेट है,
20 हज़ार का इंडिया का हो गया आपका 400 रुपये का एक ब्रोस्टेड इंडिया का। देख सकते हो दोस्तों ये 4 ब्रोस्टेड ऑर्डर हो गया है। फाइनली दोस्तों हम लोग मस्जिद कुबा पहुंच चुके हैं। अभी आप देख सकते हो ये सब लोग जो हैं सो अभी जा रहे हैं। ये ऑरेंज वाली हम लोगों की बस है, तो अब जा रहे हैं मस्जिद कुबा। वजू वगैरह करके नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ के फिर रिटर्न जाना पड़ेगा। इधर जो है सो हमारे भाई लोग हैं, ये देखिए ये मस्जिद कुबा होगी आपका, आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। हाँ तो देख सकते हो दोस्तों ये जो है सो आपको जो पूरा जो दिख रहा है ये आपको दिखाया जाएगा पूरा। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह क्या बात है। सब लोग कोई अपना आईफोन, कोई अपना टेक्नो, कोई अपना सैमसंग लेके जो है वीडियो बना रहा है। ये भाई सभी वीडियो बना रहे हैं। और देखिए ये हमारे बर्दवान के भाई सब हैं, ये भी वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ इमरजेंसी के लिए जो है एम्बुलेंस भी खड़ी है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं हादसा हो गया तो उसके लिए जो है एम्बुलेंस यहाँ पे है। और रोबेल को देखो, रोबेल पूरा फोटो खींच रहा, वीडियो बना रहा, मजा ले रहा। क्या रोबेल कैसा लग रहा है इधर पे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। चलो ठीक है, इधर हमारे सूडानी भाई सब हैं, सूडान के। और ये आप लोग देखो नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए माशाल्लाह सब हमारे भाई लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये पाकिस्तान के भाई सब हैं, इधर देखिए इधर भी सेल्फी लिया जा रहा है सब, अपने आप को फोटो वगैरह खींच रहे हैं। हाँ ये देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नज़ारा है यार। ये देखिए खूबसूरती, देखिए आप लोग खूबसूरती क्या खूबसूरत बना के रखे हैं। ये पेड़ वगैरह पहले नहीं था, अभी लगाया है सब। देखिए आप लोग ये देखिए, ये देखिए खूबसूरत, इतना अच्छा जो है लाइट वगैरह सब कुछ लगा के रखा है ये लोग। इधर पुलिस वगैरह सब कोई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई ना हो इसलिए। फाइनली दोस्तों हम लोग वजू वगैरह कर चुके हैं, अभी दाखिल हो रहे हैं मस्जिद कुबा के अंदर। ये देख सकते हो आप लोग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशबूदार, यहाँ रोबोट लगा हुआ है। ये देखिए तो फाइनली दोस्तों हम लोग वगैरह नमाज वगैरह पढ़ के निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हमारे एक दोस्त आए मुलाकात करने के लिए, तो उनसे मुलाकात किया जाएगा। अब देखते हैं वो कहाँ पे हैं। फाइनली दोस्तों देख सकते हो ये आए हैं हमसे मुलाकात करने के लिए, ये हमारे रियाज भाई हैं। भाई इधर देखो, ये रियाज भाई हैं जी भाई। अब ये हमको लेके जाएंगे अपने रूम पे इंशाल्लाह, और कहाँ कहाँ घुमाएंगे सब आपको दिखाया जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, सलीम भाई कुछ बोलो यार। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ भाई? सलीम भाई शर्मा रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से रियाज भाई के साथ, अब जा रहे हैं देखते हैं रियाज भाई कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ये रियाज भाई के रूम, अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो हर ड्राइवर का जो रूम होता है वो कितना बड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे रियाज में जो है एकदम छोटा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं सीढ़ी से जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा रूम है कि आराम से जो है पूरा फैमिली रह सकता है। ये किचन है आपका, ये ओहो एक नंबर। आप लोग तो रूम देख चुके होंगे, अब थोड़ा जो है सो अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जो मोहल्ला का अंदर देखिए कितना शांत है, रियाज में तो आपको इतना शांत नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो भाई इतना भीड़ भड़क्का
चिल्ला चिल्ली गाड़ी उड़ी देखिए यहाँ पे जो है बहुत इत्मीनान है। और रियाज भाई भी बोल रहे हैं मदीना शरीफ में बहुत सुकून है, है ना। चलिए अब जा रहे हैं थोड़ा बकाला की तरफ, फिर वहाँ से आएंगे। चलिए दोस्तों ये देख सकते हो रियाज भाई जो है हमारे लिए जो है सो बना के रखे हैं इधर मटन, और ये तमीज़। और भाई माशाल्लाह इतना मेहनत करके आज बनाया है बंदा, क्या बता दें इसको। इधर चावल है और इधर जो है सो ठंडा वगैरह सब लेके आए हैं, तो अभी खाना खाया जा रहा है, फिर खाना खा के आप लोग को आगे का जो है वीडियो दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, अब हम लोग रियाज भाई के रूम से निकल रहे हैं, अब बाहर जा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे थोड़ा आगे तरफ जाएंगे, फिर जो है मदीना शरीफ जाना है, तो मस्जिद नबवी जाएंगे, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे, फिर वहाँ से जो है हम लोग निकलेंगे। देख सकते हो दोस्तों बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। देख सकते हो दोस्तों अभी मदीना में है हम लोग, और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। अभी तकरीबन रात का 1:15 बज रहा है, ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा जो है सो नज़ारा है। ये देखिए भाई ये नज़ारा आप लोग देखिए माशाल्लाह, क्या खूबसूरत है यार। ये देखिए पूरा पार्क टाइप का बना हुआ उधर पे, और बहुत अच्छा बना है। ये हम लोग तारिक मलिक अब्दुल अजीज पे चल रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, ये लोग आप लोग देखिए। दोस्तों देख सकते हो ये मस्जिद है, शहीद शहादा मस्जिद है, और आप लोग को दिखाया जाएगा आगे का मंजर, आगे का नज़ारा। वीडियो में बने रहिए, मैं और रियाज भाई जा रहे हैं, ये तो आप लोग को दिखाया जाएगा। देखिए इस तरह तो पूरा मार्केट लगा हुआ है, और ये पहाड़ है, ये पहाड़ की भी कुछ खसूसियात है, वो अभी रियाज भाई हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये यहाँ के पुराने हैं तो इनको बहुत जानकारी है इधर का। ये मस्जिद देखिए, और इधर पे मार्केट वगैरह पूरा लगा हुआ है। इधर देखिए यहाँ पे जो है भाड़े पे साइकिल मिल रही है, और क्या प्राइस है, क्या प्राइस है इसका एक, ये देखिए वाह क्या सुहाना मंजर, क्या खूबसूरत मंजर भाई, तारीफ नहीं कर सकते इतना ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। ठंडी ठंडी हवाएं, क्या बताएं आप लोगों को। ये देखिए पूरा मार्केट लगा हुआ है, ये बच्चे लोग जो है खेल रही हैं, बच्चियां लोग, और ये जो है सो भाड़ा में साइकिल लेके चला रहा है बंदा। देखिए आप रियाज भाई यहाँ कुछ बता रहे हैं। जी रियाज भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ जंग हो रही थी हाँ, तो ये पहाड़ खुद चल के माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा मुबारक, चचा मुबारक यहाँ पे इस कौर में। चलिए आप लोग को दिखाते हैं और करीब से दिखाएंगे। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में अनवर है यहाँ पे जी। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, अच्छा माशाल्लाह कब्र भी है। अच्छा ये पूरा ग्राउंड में इसमें एक ही कब्र है क्या? नहीं और है इधर, और उधर भी तीन चार सहाबी उनके कब्र। अच्छा अच्छा दोस्तों हम दुआ वगैरह कर चुके हैं यहाँ से, अब यहाँ से निकल रहे हैं। दिखाने का तो बहुत कुछ है लेकिन हम लोगों के पास वक्त नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे मदीनतुल मुनव्वरा, फिर वहाँ जाके नमाज वगैरह पढ़ा जाएगा, आप सब लोगों के लिए दुआ किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग पहाड़ पर चढ़ के हैं, और ये देखिए ये पहाड़ मुबारक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है सो बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और मौसम जो है सो बहुत अच्छा है। ये देखिए पूरा मार्केटिंग है, मार्केट एरिया, और तो दोस्तों बस हम लोग हो
बहुत ही करीब है मस्जिद नबवी की। अब जा रहे हैं, देखिए ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो माशाल्लाह। ये बंदा इधर चॉकलेट बेच रहा है, जर नमाज वगैरह सब बेच रहे हैं इधर पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तकरीबन टाइम जो है 2:30 से 3 बज रहा है रात। यहाँ जो है साइकिल लगी हुई है, आप ऑनलाइन से साइकिल जो है सब पैसा पे करिए और साइकिल लेके जाइए और टाइम से लाके लगा दीजिए। ये देखिए माशाल्लाह, देख सकते हो भाई लोग इतना जहमा क्या बोलूँ, इतना पब्लिक है भाई, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। आदमी अगर बीच में फंस गया तो उसका बस ट्रेन सब छूट जाएगा इधर से, इधर इतना जाम है। ये भी बंदा जो है वीडियो बना रहा है। फाइनली हम लोग जाम से निकल चुके हैं दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं बस। ये देखिए, ये जितना बस है सब फ्री वाला बस है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठिए और जाइए। इधर देखिए, इधर दुकान वगैरह जो है सो है, इधर पे मार्केट टाइप का बना हुआ है। ये आपका सब कुछ मिलेगा आपको। ये देखिए, देखिए सब बैठ के खा रहे हैं। उस तरफ भी जो है तो बहुत सारा दुकान वगैरह बना हुआ है, आपको पूरा करीब से दिखाएंगे, पूरा इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये देखिए आप, ये जो है सो हर जगह का जो दुकान है, ये इंडिया का है, अल हिंद लिखा हुआ है। ये रोमिया का है, देख सकते हो इंडोनेशिया का उधर पे है, इटालिया का है, इधर मलेशिया का है, ये मदीना तुर्किया मदीना, माशाल्लाह बहुत सारा दुकान है इधर पे। देखिए इधर जो है सो, और ये है वो जगह जहाँ पे आके लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है सो लगता है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देख सकते हो आप लोग, यहीं पे जो है सब फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। VCR का 4 फ़ोटो है, आप खिंचवा सकते हो। ये देखिए, ये बंदा खिंचवा रहा है और ये बंदा खींच रहा है इधर पे, इसको देखो तो वो पहन के जो है बड़ा गजब का लग रहा है, बहुत अच्छा है भाई। फोटो खिंचाओ, मजा लो। ये देखिए इधर पे होटल वगैरह है, इधर पे भी होटल वगैरह है। ये देखिए बस, देखिए यहाँ की जो बस है ऊपर से खुली हुई है ज़ियारत करने के लिए, ये फजर के बाद निकलेगी, आपको हर जगह जो है ज़ियारत करवाएगी। एक वहाँ पे था फ़ोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पे है वो पैसा वाला था और यहाँ पे फ्री वाला है, ठीक है, वो अमीरों के लिए, ये गरीबों के लिए। ये भी बहुत अच्छा बनाया है माशाल्लाह, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तान के भाई सब हैं और ये खिंचवा रहे हैं और ये खींच रहे हैं भाई साहब। खैरियत खैरियत, ये देखिए भाई साहब खींच रहा है, फ़ोटो खिंचवा रहा है, अब हम लोग जाते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये होटल, देखो पूरा होटल जो है सो इधर पे, ये देख सकते हो दोस्तों, इधर पे पूरा जो है शॉपिंग वगैरह करने का है। इस तरफ भी है, आपको हर कुछ मिलेगा यहाँ पे।
ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम लोग इधर पे आ गए हैं, अब जाके सबसे पहले फ्रेश वगैरह होके वजू करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ना है, दुआ करना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलाम आज करना है। यहाँ पे सिम वगैरह मिलता है, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए ये अंदर का नज़ारा, अंदर का मंज़र, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए आप लोग, ये देख सकते हो आप लोग, तो देख सकते हो आप लोग ये मस्जिद नबवी के अंदर का नज़ारा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा, देख सकते हो माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए ये अंदर की खूबसूरती देखिए आप लोग, तो हम लोग को पानी प्यास लग गया तो ये आबे जमजम का पानी पियेंगे, हमारा रोबिल भाई दोनों पियेंगे, ये पानी लिया, ये गिलास लिया इधर से, आबे जमजम का पानी है भाई, अल्लाह ताला से बहुत शिफा रखे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पानी वगैरह पी चुके हैं यहाँ से, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये देखिए इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है बाप, बहुत पावरफुल कैमरा है। ये देखिए इधर पे माशाल्लाह ये सब काम करने वाले हैं, ये देखिए काम कर रहे हैं, मशीन मार रहे हैं इधर पे, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए इतना अच्छा जो है, आपको उधर में फ़ोटो में देखिएगा, वीडियो में देखिएगा बहुत छोटा नज़र आएगा, लेकिन ये छोटा नहीं बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, ये देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह चारों तरफ। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ये देखिए खूबसूरती देखिए आप लोग, खूबसूरती माशाल्लाह। लोग हैं यहाँ पे सहरी कर रहे हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग हैं, फाइनली दोस्तों हम लोग अंदर जा रहे हैं, रोज़ाए रसूल के बहुत करीब हैं हम लोग, जा रहे हैं अंदर। फाइनली दोस्तों हम लोग नमाज़ वगैरह सब कुछ पढ़ लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, फजर का नमाज़ पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे अपने बस की तरफ, फिर चलना हम लोगों को रियाद। देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह तबारकअल्लाह, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब नमाज़ पढ़ा जाएगा, फजर का अजान का टाइम, अजान हो रही है, और ये हमारे सब भाई लोग हैं। तो देख सकते दोस्तों माशाल्लाह, अभी हम लोग नमाज़ पढ़ा जाएगा फजर का, जिधर जन्नतुल बकी है उस तरफ नमाज़ पढ़ा जाएगा और इंशाल्लाह अंदर भी चला जाएगा। देख सकते हो दोस्तों आप लोग, ये रास्ता पूरा बंद करके रखा है, इसीलिए आप लोग को तो खड़े से नहीं जा सकते, लेकिन देखिए यहाँ से आपको लाइव दिखाया जा रहा है, पूरा देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह। दोस्तों ये बंदा फ़ोटो खींचने के लिए जो बेताब है और बहुत फ़ोटो खींचा है आज, सलीम भाई भी फ़ोटो खींचा, चला जाए अब, फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब जो है हम लोग चलते हैं उस तरफ, क्या बता दे भाई, ये देखिए आप लोग, आप पूरा सामने से जो है दिखाया जा रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जो है सो देख सकते हो दोस्तों,
अब हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल बकी में। यहाँ से देखिए मंजर, ये देखिए, ये देखिए रश, ये जहमा देखिए पूरा भरा हुआ है, ये पूरा देखिए पूरा। ये जन्नतुल बकी, ये जन्नतुल बकी देख सकते हो आप लोग को, जूम कर दिखाया जाएगा। इधर अभी ममनू है, नहीं जा सकते उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हां, वो तो दोस्तों फाइनली हम लोग देखिए, ये सुबह सुबह का नज़ारा मदीनतुल मुनव्वरा का सुबह का नज़ारा देखिए, माशाल्लाह वाह यार, ये सुबह का नज़ारा देखिए कितनी खूबसूरत जगह है यार। देखिए भाई देखो, ओह क्या बात है भाई, क्या बात है। देखिए ये गेट नंबर 33 है। देखिए दोस्तों ये सुबह का नज़ारा मदीनतुल मुनव्वरा का, सुबह 6:10 हो रहा है और माशाल्लाह खूबसूरती खूबसूरती हम बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ और हमारे जो साथी हैं वो पीछे हैं। ये देखिए ये इधर पे कुछ बन रहा, पता नहीं, हम लोग 1.5 साल पहले आए थे तो उस टाइम भी बन रहा था लेकिन इतना काम नहीं हुआ था, बहुत फास्ट काम हो रहा है, उस टाइम काम शुरू ही हुआ था, अब बनने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा है दोस्त, बहुत बड़ा है भाई लोग, इतना बड़ा है कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं तो चल रहे हैं और इधर रास्ता वगैरह सब बन कर चुका है, ये लोग बोलता है इस रास्ते से जाओ उस रास्ते से जाओ, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है हम लोग का। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर 21-22 में और हम लोग का इसी तरफ बस है लगा हुआ, तो जा रहा हूँ बस की तरफ बैठने के लिए। आप लोग को पूरा दिखाया जाएगा यहाँ से पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत दिखता है, ये आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखिए, माशाल्लाह। तो दोस्तों ये बस है, ये बस जो है पूरा टूर करवाती है, पूरा मदीना घुमाएगा आपको और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो है हम लोग निकल चुके हैं, बस जा ही रहे हैं रूम की तरफ। ये टैक्सी देख सकते हो आप लोग, ये बस देखिए आप लोग, ये सैफ भाई हमारे फोटो खिंचा रहे हैं माशाल्लाह। हम लोग वापस जा रहे हैं अब अपने बस की तरफ, ये सुबह सुबह का आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है, 6:30 बज रहा है, 6:35 हो रहा है और ये देखिए ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है, सुबह सुबह का नज़ारा। देख सकते हो फाइनली दोस्तों हम लोग मदीना से सुबह में निकल चुके थे और अभी डायरेक्ट जो है इस जगह पर आके रुके हैं। अब जगह का नाम तो पता नहीं है लेकिन यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर जो है रियाद है,
कि हम लोगों की बस है। अब इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अब डायरेक्ट रियाद में जो है रुकेंगे। मुझ गुनागार सा इंसान मदीने में रहे, बनके सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना देखूं। फाइनली दोस्तों हम लोग बथा मार्केट उतर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो पहले जैसा मार्केट नहीं रह गया, बहुत चोरी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा बहुत महंगाई, बहुत महंगाई है पहले जैसे नहीं रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या करोगे, रमजान में सब मौका का फायदा उठा रहा है, ठीक है। हाँ देख सकते हो बहुत सारे लोग आ रहे हैं इधर पे।